हेलो फ्रेंड्स, सो एक साइड पे हमने इंस्टॉल किया है वर्टिमेक का S600E मॉडल 20 kbps 3-in-3 auto वाला। इसके साथ हमने दिए है 12 volt 65 एक साइड में की 32 बैटरीज। इस UPS में आता है इनबिल्ट आइसोलेशन विद यूनिटी पावर फैक्टर, सेटेबल बैटरी ऑप्शंस लाइक 32 to 14 hours बैटरी यू कैन एडजस्ट, एंड ये UPS है 3-in-3 out वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये UPS का बैक साइड का व्यू है। अपर साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पोर्ट्स दिए गए हैं पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए या UPS के अंदर चेंजेस करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए। उसके बाजू में है ये HRC फ्यूजेस का स्लॉट है। यहाँ पे दो फ्यूजेस के लिए दो पॉजिटिव नेगेटिव 63 एम्पेयर के HRC फ्यूजेस हैं और सेंटर में 63 एम्पेयर का सिंगल पोल का एक MCB है। उसके नीचे है Q3, Q4, Q2, Q1, ये 4 MCBs दिए गए हैं 3 पोल के। सबसे नीचे वाला है इनपुट का और 2 नंबर का है बाईपास का। Q3 जो है मेंटेनेंस बाईपास है और Q4 जो है आउटपुट का MCB है। सो Q3 जो है मेंटेनेंस बाईपास, उसके ऊपर एक मेटल का प्लेट लगा है जो कि आपको ऑपरेट नहीं करना है। सो इसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रॉपर रहता है जब इन्वर्टर ऑफ कंडीशन में रहता है और लोड बाईपास के थ्रू फीड होता है सिस्टम बाईपास, तभी उसको आपको ऑपरेट करना होता है। तो आगे जाके हम देखेंगे इसको ऑन करने का प्रोसीजर। और यहाँ पे ये इनपुट का एग्जैक्टली इसके नीचे देख सकते हैं आप 3 नॉज कूलिंग फैंस है, और उसके ठीक नीचे जाएंगे तो ये इनपुट आउटपुट के टर्मिनेशन का दिया गया है प्रोविज़न। मेंस इनपुट RYB लेफ्ट साइड में, RYB 3 फेज इनपुट, और सेकंड है RYB आउटपुट विथ न्यूट्रल, एंड एग्जैक्टली एक्सट्रीम राइट में है पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल बैटरी का कनेक्शन। सेंटर टैपिंग कनेक्शन है यहाँ पे UPS के लिए। और ये दे सकते हैं एक साइड में की बैटरीज, सभी बैटरीज को हमने कनेक्ट किया है। ये 12 volt 65 Ah की बैटरी यहाँ पे आप देख सकते हैं। UPS बैटरी के टाइप है EP6512, यानी 12 volt 65 Ah की बैटरीज है। 32 बैटरीज यहाँ पे हमने इंस्टॉल की है। सभी बैटरीज को हमने सीरीज कनेक्ट किया है। 4 टीयर में बैटरीज है, 1 टीयर में 8 बैटरीज है। फर्स्ट बैटरी का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने रेड केबल कनेक्ट किया है जो UPS से आ रहा है फर्स्ट बैटरी को पॉजिटिव को, और फर्स्ट बैटरी का नेगेटिव जो है सेकंड बैटरी के पॉजिटिव को, सेकंड बैटरी का नेगेटिव जो है थर्ड बैटरी के पॉजिटिव को। इन दिस फैशन में हमने सभी बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट किया है। और जो फाइनल 32 नंबर्स की बैटरी है अपर की टीयर में, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल जो UPS से आ रहा है उसको कनेक्ट किया है। सेंटर टैपिंग जो केबल है हमने किया है एग्जैक्टली हाफ ऑफ द बैटरी, मतलब 32 में से हाफ 16 पे होता है। 16 नॉज नंबर की जो बैटरी है पॉजिटिव से, उसके न्यूट्रल टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल को हमने कनेक्ट किया है। आप 16 के नेगेटिव को भी कनेक्ट कर सकते हैं या 17 के पॉजिटिव को आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कनेक्शन अभी ओपन रखा था, अभी इसको मैं लगा के ऑन करूँगा। ये UPS को ऑन करने के प्रोसीजर हमने एक्सप्लेन नहीं किया, वन बाय वन शो नहीं किया, क्योंकि UPS को ऑन करते टाइम हमने वीडियो नहीं किया था। तो UPS को हमने ऑन किया है अभी। इसका प्रोसीजर ऐसा होता है कि इनपुट ऑन करना है, ये प्रोसीजर मैं बाद में बताता हूँ। पहले देखिए ये डिस्प्ले है, ये अभी स्लीप मोड में चला गया है। तो जैसे इसको खोलेंगे सामने डोर है, की है। इसको ऑन करने का प्रोसीजर देखिए, बैटरी का MCB फ्यूज बंद है। पहले इसको बाईपास पे ऑन करना है। बाईपास सप्लाई देने के बाद आप सब पैरामीटर चेक कर सकते हैं, कुछ पैरामीटर सेट करने होते हैं जैसे कि बैटरी एज, नंबर ऑफ बैटरी, वो आपको सेट करना है। उसके बाद इसमें पासवर्ड भी होता है जो मैनुअल में दिया होता है पैरामीटर सेट करने के लिए। और बाईपास देने के बाद आप आउटपुट ऑन करेंगे तो सिस्टम बाईपास के थ्रू आपको आउटपुट मिलेगा। उसके बाद इनपुट ऑन करना है, इनपुट सप्लाई ऑन करने के बाद आपका रेक्टिफायर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट आउटपुट और बैटरी का कनेक्शन। तो रेक्टिफायर जैसे डेवलप हो जाएगा, DC डेवलप करेगा बैटरी के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ बैटरी सेट करने के बाद, तो उसके बाद आपको इन्वर्टर ऑन का कमांड देना है डिस्प्ले से। तो फिर जैसे इन्वर्टर ऑन हो जाता है तो आउटपुट स्विच हो जाएगा इन्वर्टर पे। यहाँ पे देख सकते हैं आप UPS का नेम प्लेट है और ये मेंस इनपुट है
एमसी भी है, और एक यहाँ पे कूलिंग फैन से सामने यहाँ पे डिस्प्ले है, और यहाँ पे देखिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है डिस्प्ले में, आपको क्लियरली दिखेगा। इनपुट है फर्स्ट केस में 239 वोल्ट लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज शो कर रहा है, फर्स्ट रेक्टिफायर को जा रहा है, रेक्टिफायर एसी टू डीसी कर रहा है, सम पोर्शन को पैरेलली गोज़ टू बैटरी चार्जिंग एंड ऑल्सो इट गोज़ टू इन्वर्टर, इन्वर्टर डीसी टू एसी कर रहा है और लोड को फीड कर रहा है, और ये नीचे का जो लाइन है ये बाईपास का सप्लाई है। इन्वर्टर जैसे फेल हो जाता है लोड स्विचेस टू बाईपास सोर्स, ऑटोमेटिकली ये स्विचिंग हो जाता है इन स्टैटिक ट्रांसफर स्विच से। यहाँ पे चार कीज है, एस्केप एंटर अप एंड डाउन। स्टेटस में जाएंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए पैरामीटर सब आपको मिलेंगे, फर्स्ट है इनपुट, सेकंड बाईपास और बैटरी। इनपुट का लाइन न्यूट्रल वोल्टेज, लाइन न्यूट्रल करंट, फ्रीक्वेंसी, लाइन टू लाइन वोल्टेज, सभी पैरामीटर्स आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड पैरामीटर्स में जाने के लिए अप डाउन का की यूज इस्तेमाल करना है, देखिए बाईपास में, और ये बैटरी का पैरामीटर यहाँ पे देखिए शो कर रहा है, बैटरी का वोल्टेज 217 वोल्ट। ये जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव टू सेंटर टैपिंग तक का वोल्टेज है, ये 32 नॉस बैटरी है तो 16 बैटरी का वोल्टेज शो करेगा। नीचे में जाएंगे, लॉग में जाएंगे और पैरामीटर्स है। लॉग में जाएंगे तो करंट लॉग में आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि अभी यूपीएस हेल्दी कंडीशन में वर्क कर रहा है, कोई लॉग्स या कोई अलार्म नहीं है। हिस्ट्री में जाएंगे तो आज तक के सभी लॉग्स जो है आपको शो हो जाएंगे विद डेट्स एंड टाइम। नंबर ऑफ लॉग्स है 1, 2, 3, 4। स्क्रॉल करते जाएंगे तो अगला लॉग्स आपको मिलेगा। बैक करने के लिए इसके बटन दबाना है, नए मेनू में जाने के लिए एंटर दबाना है, और एस्केप करेंगे तो ये फाइनल डिस्प्ले पे आप आ जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था, इनपुट ऑन करने के लिए पहले बाईपास ऑन करना है उसके बाद आउटपुट ऑन करना है। जब आउटपुट ऑन करोगे तो बाईपास का जो इनपुट सप्लाई है एज इट इज़ आपको लोड को मिलेगा, फिर इनपुट सप्लाई ऑन करना है, इनपुट सप्लाई से